हेलो फ्रेंड्स, तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिक बाबू में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूँ कैस्ट्रोल मोबिल के बारे में। तो इसमें दो क्वालिटी रहता है फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 20W40 और एक आता है 10W30 का। तो चलिए फ्रेंड्स, इन दोनों मोबिल का कंपेरिजन करता हूँ और इसका क्वालिटी, साथ ही फ्रेंड्स इसका जो MRP रेट है वो कितना है, साथ ही ये कौन कौन बाइक के लिए परफेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, साथ ही साथ फ्रेंड्स एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि ये जो मोबिल रहता है इसमें ओरिजिनल की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्टिंग करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं मैकेनिक। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक 10W30 है और एक 20W40 है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो 10W30 और 20W40 जो है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसका मेन मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स। और साथ ही थोड़ा सा चलिए ये दोनों कैस्ट्रोल मोबिल में क्या अंतर है और ओरिजिनल की पहचान, उसका वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा फ्रेंड्स, और थोड़ा कुछ बता दूंगा कि जिससे आप पहचान कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं फ्रेंड्स कि इन दोनों मोबिल में आपको कैस्ट्रोल दोनों आपको सेम नज़र आएगा। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, और दोनों मोबिल ओरिजिनल है। यहाँ 3X प्रोटेक्शन है, यहाँ भी 3X प्रोटेक्शन के साथ दोनों मोबिल बना हुआ। एक चीज़ यहाँ नोटिस करने को मिल रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ ये जो 10W30 वाला मोबिल में यहाँ एक्टिव स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट लिखा हुआ है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इससे कुछ टेंशन नहीं फ्रेंड्स। और बाकी जितना भी आपको मिलेगा यहाँ सेम मिलेगा और मोबिल का जो क्वालिटी है वो भी आपको सेम मिलेगा। थोड़ा सा अंतर रहता है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, आप इसे पलटते हैं। आप इस दोनों स्कैनर को स्कैन करके आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पता कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। और MRP रेट आप देख सकते हैं, इसका 413 और इसका 410 है, मतलब आपको 400 में आप कहीं भी इन दोनों मोबिल को ले सकते हैं। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको 400 में भी ले सकते हैं, कोई कहीं आपको 380-390 तक में भी आपको ये मोबिल मिल जाएगा। ये मोबिल है आपका 1 लीटर का और इसका यहाँ एक कूपन दिया हुआ रहता है फ्रेंड, जिसे आप स्कैन कर सकते हैं और उससे 10 रुपया और आपको एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर मिलेगा। तो जो इसका क्वालिटी रहता है फ्रेंड्स वो काफ़ी बेहतर रहता है और मोबिल की अपेक्षा आप इन दोनों मोबिल में क्वालिटी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। कम से कम 4000 किलोमीटर आप किसी भी बाइक को इसमें रनिंग कर सकते हैं, किसी भी बाइक, मतलब आपको 150 cc के नीचे के बाइक का मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें आपका इस पैशन प्रो, स्प्लेंडर, ग्लैमर, आईस्मार्ट, जितना भी मॉडल का पल्सर उल्सर, जितना 150 cc के नीचे, उस बाइक के लिए ये बहुत ही बेहतर है फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो इसका रेट है, रेट में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले बहुत ये लॉकडाउन होने की वजह से इसका रेट बढ़ चुका है, वरना ये दोनों मोबिल 328 रुपये की MRP में आपको उपलब्ध मिलती थी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात आता है 10W30 और 20W40 का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि W मतलब विंटर होता है फ्रेंड्स, और ये जो ग्रैंड आप देख रहे हैं ग्रैंड, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, ये जगह पर्पस के लिए परफेक्ट है। अगर ये W से पहले जो अक्षर आप 10 देख रहे हैं और यहाँ पर 20 देख रहे हैं, इसका मतलब फ्रेंड्स कि ये कम, अगर ये 5 रहेगा तो बेहतर रहता है। जैसे 5 डिग्री, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 10 डिग्री के तापमान में ये काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये थोड़ा सा ठंडा के लिए दिक्कत हो सकता है, ठंडा के दिनों के लिए, तो आप इससे चूज कर सकते हैं। लेकिन वही फ्रेंड्स इसे गर्मी के दिन के लिए आप बोल सकते हैं कि गर्मी के दिन के लिए आपके लिए परफेक्ट रहेगा, मतलब इससे जितना ज़्यादा रहेगा उतना आप गर्मी दिन के लिए परफेक्ट रहता है। तो मीडियम में आपको हर जगह यही मोबिल आपको देखने को मिलता है, और ठंड की वजह से ये मोबिल अभी मेरे पास आया है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ठंड के दिनों में 10W30 लगा सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल के लिए आप 20W40 लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।